एंड तक देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ, एजाज भाई की नगरी में। उनने बोला था मुंबई में मेरे से जगह तेरी, लोकेशन तेरी, मुंबई का एरिया तेरा और धाक मेरी, आजा 1-to-1। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसी है YouTube फैमिली, होप करता हूँ मस्त की स्वस्थ की तुम्हारा फायदी एकदम। तो गाइस आज की कुछ अपडेट ऐसी है, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था एलविश यादव को एजाज खान ने मतलब धमकी दी थी, जो कि कल वीडियो आई थी। एंड उस वीडियो में आज की जो अपडेट है, आज की अपडेट में ये है कि मतलब जो अलविश यादव है एंड उसके बाद थारा भाई जोगिंदर अलविश यादव की, और भी पता नहीं रजत पताल क्या पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इस वक्त, उन्होंने कुछ रिप्लाई किया। देखना क्योंकि ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ, एजाज भाई की नगरी में। उनने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे, दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे, और कहाँ पकड़ेंगे, हरियाणा में पकड़ेंगे, हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहां पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे भाई साहब। पकड़ ले भाई, पकड़ लो, बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है, ये शेर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था, जो बोल रहे थे ना कुत्ते और शेर वाली बात, या फिर घर पे आया था शेर, वो वाला वो मैच नहीं करता। ज्यादा क्या खींचनी इसको ना, तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है, तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो और थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे आधे दो पैर सलाखों के पीछे है, जो मुंह बाहर निकला है ना उसको ज्यादा इतना मत चिल्लाओ कि पूरे अंदर जाओ, हिसाब से रहो। और भाई जिसको नहीं पता, जिसको थोड़ा सा जो क्लियर नहीं है आइडिया कि भाई हम ये क्या वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे एजाज भाई ने भाई बहुत क्लियरली ये धमकी समझ लो, धमकी दी थी एक तरीके से कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहां नजर आ गए वो कर दूंगा, यूट्यूबरों के साथ वो कर दूंगा, इंस्टा पे लोकेशन हम डालते हैं, ब्लॉग में लोकेशन हम डालते हैं, हर जगह लोकेशन हम डालते हैं, भाई को कांटेक्ट भी कर ले, कोई जवाब नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के बन के रह गए कि इंस्टाग्राम पे हवाबाजी कर ली, चल भाई यहाँ पे सॉरी बुलवाऊंगा और चलो सो जाओ इनका कुछ। उसमें गाइस उन्होंने ये बोला कि मतलब एजाज खान को धमकी के बारे में, तू ये बोल रहा है वो बोल रहा है, हम वहां पे गए हमें तू वहां नहीं मिले, लोकेशन भेज रहा है, मतलब एक दूसरे। ये रहा तुम्हारा एजाज खान, ओ झाटू, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो मिल मेरे को मुंबई के अंदर, अगली बार सोच समझ के गाली देना और पहले पता कर लेना कि थारा भाई जोगिंदर कौन है। यार क्या रे थारा भाई जोगिंदर, पहले वीडियो को ठीक से देख, मैंने कहा जो जो यूट्यूबर मादर शोध मेरे बारे में बोलेगा उसको लेके आऊंगा मैं, जो जो मेरे बारे में, अगर तेरे अंदर इतनी पावर है ना तो फोन उठा व्हाट्सएप पर और अगली बार गाली सोच समझ के देना। अरे ये तेरा ही फोन आ रहा था, निकल साले फोन उठा, ये गाली अपने फंटरों को जाकर दिया कर जो तेरे पास काम करते हैं, यहां तेरी गाली नहीं चलेगी। और तेरा मैसेज क्या रखा है, तू और अपने बाप रजत दलाल को भी लेकर आना, रजत दलाल होगा तेरा बाप। जगह तेरी, लोकेशन तेरी, मुंबई का एरिया तेरा और धाक मेरी, आजा 1-to-1। तू बहुत बोलता है ना वन मैन आर्मी, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू, कहीं का नहीं छोड़ेगा याद रखना, अपनी फंटागिरी, ये जो तू मवाली वाले हरकतें करता है, ये छपरी वाले अपने घर के आकर मुंबई के अंदर के आकर गलती से NCR में अटक मत जाना, वरना किसी लायक नहीं छोड़ेगा तेरे को। झाटू फ्लोप एक्टर, बिग बॉस से भगाया था तेरे को मार के, करियर तेरा कुछ है नहीं, बनने आ गया पर तू सलमान खान साला फंटर हट। अब क्लिप तो आपने देख ली है, तो सबसे पहले आप ये देखो मतलब सब इन दोनों की क्लिप आपने देख ली, थारा भाई जोगिंदर की क्लिप देख ली, उसके बाद अलविश यादव की भी देख ली, दूसरा जो बंदा अलविश यादव के साथ उसका जो भी कहना है उसका भी सुन लिया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही यार किस वजह से इनकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, और आपको क्या लगता है कौन बंदा गलत है और कौन बंदा सही है और किस किस सपोर्ट करनी चाहिए ज़रा। तो बाकी फिलहाल ये वीडियो इतनी थी, कुछ देखते हो किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।